हेलो दोस्तों लास्ट लेक्चर्स में हमने जो बात की थी वो हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की बात की थी अब यहां पे जो बात करनी है फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे क्या है एग्जांपल क्या है एक एग्जांपल से बता रहा हूं इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस फाइंड अदर जीरो हमें पता है जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतनी हमारे पास उस पॉलिनोमियल की जीरोस होती है अब यहां पे डिग्री कितनी है थ्री है तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस कितनी होगी थ्री होगी कितनी गिवन है एक गिवन है तो इसका मतलब अदर जो बाकी दो बच गई वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है ठीक अब क्या है वन इज जीरो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वन इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोम तो इट मीन वन को इस तरफ शिफ्ट करो जो एक्स माइनस वन बनेगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या बनेगा फैक्टर बनेगा ठीक अब फैक्टर का मतलब क्या होगा फिर इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे डिवाइड किया वही प्रोसेस फर्स्ट टर्म विथ फर्स्ट टर्म अब मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में हमने वो बात की है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क् कैंसल्ड माइनस फाइव एक्स स्क्र प्लस इलेवन एक्स माइनस फाइव अब माइनस फाइव एक्स के साथ करेंगे दोस्तों तो माइनस फाइव एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स माइनस कैंसल्ट सिक्स एक्स माइनस सिक्स तो अब आ गया प्लस सिक्स क्योंकि फैक्टर है रिमाइंडर जीरो आएगा आएगा अब हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वी नो दैट तो डिविडेंड है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स डिवाइजर कितना है एक्स माइनस वन अब क्वेश्चन कितना आया हमारे पास एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस जीरो रिमाइंडर क्या है जीरो तो रिमाइंडर का केस तो हो गया खत्म क्योंकि क्या है नाइन्थ क्लास में हमने अगर ध्यान में हो क्यूबिक को फैक्टराइज किया था बाय फैक्टर थ्योरम वहां पे हमने बात की थी और यहां पे वही प्रोसेस चल रहा है आप ये समझ लो एक फैक्टर दे दिया दो फैक्टर हमने फाइंड करने हैं यह देखिए एक आ गया अब ये दोनों की बात करनी है तो वट वी हैव टू डू जो क्वेश्चन है हमें उसको फैक्टराइज करना है और इसके रिगार्डिंग वी नो बाय सप्लेटिंग द मिडल टर्म ये फैक्टराइज हम कर चुके हैं है ना सॉल्व किया दिस इज देर तो इट मींस जो डिविडेंड आया है हमारा दोस्तों वो क्या आ गया सॉल्व किया तो व्हाट इज डिविडेंड नाउ एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क् प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स ये रहा एक्स माइनस वन इन प्लेस ऑफ दिस हमारे पास क्या बन गया ये बन गया ये तो जीरो थी तो फिर अदर जीरो क्या बनेंगी जो दोनों फैक्टर्स बच गए उसको क्या करो जीरो रिप्लेस करो आपके पास अदर जीरोज आ जाएंगी तो दोस्तों अदर जीरोज हैं हमारे पास टू एंड थ्री क्या किया देखिए मैंने वन इज जीरो तो ऑब्वियसली ये फैक्टर होगा उसके साथ मैंने क्या किया डिवाइड किया डिवाइड किया तो सिंपल मैंने उसका जो क्वेश्चन आया था उसको क्या किया फैक्टराइज किया और क्वेश्चन की जीरोज में हमने क्या कर दी रिप्लेस कर दी इक्वल टू जीरो एंड वी हैव फाउंड द अदर लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस टॉपिक क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों तो कुछ एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ टू इज जीरो ऑफ एक्स क्यूब माइनस थर्टीन एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टी टू एक्स माइनस 20 फाइंड अदर जीरो अब वही बात टू जीरो आ गया इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू टू इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो मैंशन है हमारे पास तो इट मीन्स जो x माइनस टू होगा इस तरफ शिफ्ट करेंगे वो इस पॉलिनोम का क्या होगा फैक्टर होगा डिवाइड ना होटीन एक्स स्क्स थर्टी टू एक्स माइनस ट्वेंटी फर्स्ट विद फर्स्ट एक्स स्क् के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया दोस्तों कैंसल्ट माइनस इलेवन स्क्र एक्स स्क् प्लस थर्टी टू ठीक तो अब इसको इलेवन एक्स के साथ सॉल्व किया प्लस ट्वेंटी टू एक्स कैंसल्ड टेन एक्स माइनस ट्वेंटी अब इसको टेन के साथ किया जीरो ठीक तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब फैक्टराइज क्वेश्चन क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगी और एलगोरि क्वेश्चन क्या है दोस्तों ये इसको फैक्टराइज किया बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यू हैव डन अ लॉट ऑन दैट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया ठीक तो इसका मतलब अदर जीरोस क्या बन गई एक ये बन गई एक्स वन एंड दूसरी क्या बन गई टेन और अगर एग्जाम में आपने आंसर चेक कर रहे हैं कि आपका आंसर सही है नहीं इन दोनों जीरोस को यहां पर रिप्लेस कर दो आफ्टर रिप्लेसिंग यू विल गेट जीरो अगर जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है दोस्तों के क्वेश्चन में कहीं कही ना कहीं आपकी मिस्टेक है और आपने वो मिस्टेक को क्या करना है रिमूव करना है तो दिस इज देयर नाउ वी आर मूविंग विथ सम मोर एग्जांपल्स एंड द इंपॉर्टेंट एग्जांपल फाइंड ऑल जीरोज ऑफ मैं एक स्टेटमेंट देख रहा हूं टू एक्स फोर माइनस नाइन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर टू प्लस माइनस रूट थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अब यहां पर देखिए क्या गिवन है बाय्रेटिक तो बायिक की कितनी जीरोज होगी चार जीरोज होगी है ना और हमें गिवन कितनी है दो तो दो फाइंड करनी है तो सबसे पहले इन दो जीरो से पॉलिनोमियल बनाओ क्वाड्रेटिक वी हैव डन इन स्टार्टिंग वी नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क् माइनस सम ऑफ जीरो इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ है ना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क् पहली जीरो दिस दूसरी ये बन गई प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस फोर एक्स सॉल्व किया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस वन तो इसका मतलब जो ये है पी एक्स है वो फैक्टर क्या बन गया जो हमारे पास क्योंकि जीरो से यह बना है जीरो से बना है तो ये उसका क्या होगा फैक्टर होगा टू एक्स फोर माइनस नाइन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स जो जीरो गिवन होती हैं उससे जो आप पॉलिनामिल फॉर्म करोगे वो इसका फैक्टर बनेगा नाउ डिवाइड दिस एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस वन टू एक्स फोर माइनस नाइन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन फर्स्ट विथ फर्स्ट अब इसको चेक किया तो 2x के साथ स्क्वायर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई इसको इसके साथ किया माइनस एट एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क् माइनस प्लस माइनस ये कैंसल्ट माइनस नाइन प्लस एट माइनस वन सॉल्व किया इसको सॉल्व किया अब फर्स्ट फर्स्ट हम चेक करो किसके साथ मल्टीप्लाई करें दोस्तों माइनस वन एक्स के साथ तो हमारे पास आ गया दिस माइनस माइनस प्लस वन फोर जॉ फोर एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्स माइनस माइनस दिस इज प्लस माइनस प्लस ये कैंसल्ड अब ये बच गया माइनस वन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस वन चेक करो सिर्फ माइनस का डिफरेंस है तो ये बन गया हमारे पास सेम सिर्फ तीनों के साइन चेंज हो गए क्योंकि माइनस के साथ हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई क्वेश्चन हो गया फैक्टर बन गया अब यह रहा क्वेश्चन तो क्या करते थे दोस्तों अब फैक्ट्राइज ऑफ क्वेश्चन यस वही चल रहा है डिफरेंस क्या लिया मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक जीरो ली थी और यहां पे क्यूबिक था अब यहां पे मैं दो जीरोस ले रहा हूं यहां पे बाय क्वाड्रेटिक है एक जीरो से डायरेक्ट हमने पॉलिनामिल बना लिया था अब दो जीरोस है हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क् माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अब फैक्टराइजिंग क्वेश्चन ड्यू टू डिविजन एगोरिथम टू एक्स केयर अब इसको फैक्ट्राइज किया विथ स्प्लीटिंग न मिडल टर्म हमारे पास ये आ गया दिस एंड दिस आफ्टर दैट दिस तो जीरो के लिए क्या करते थे दोस्तों एक बार ये जीरो एक्स इज वन दूसरी बार ये जीरो एक्स इज माइनस वन बाय टू

तो ऑब्वियसली हमारे पास दोस्तों क्या बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनामियर क्या था एक्स स्क् माइनस सम ऑफ जीरो इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम प्लस फाइव बाय थ्री माइनस फाइव बाय थ्री क्योंकि प्लस माइनस है प्रोडक्ट रूट फाइव बाय थ्री माइनस रूट फाइव बाय थ्री एक्स स्क्र यह हो गया जीरो तो ऑब्वियसली ये टर्म खत्म अब ये आ गया ठीक अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको जब हमने लास्ट लेक्चर्स में पॉलिनोमियल फॉर्मेशन की बात की थी आपके ध्यान में हो तो मैंने आपको बोला था अगर इसको एलसीएम लेके हम डायरेक्ट ये भी लिख दें कॉन्सेंट मल्टीपल खत्म कर दें तो वो भी उसका फैक्टर बनेगा याद है ना आपको बात k के, के साथ जब हमने मल्टीप्लाई की थी इन सेकेंड और थर्ड लेक्चर हमने वो डिस्कस किया था k का फंडा क्या है k वो एक फैमिली ऑफ पॉलिनोम दे रहा है आप उसको मल्टीपल कर सकते हो क्योंकि फ्रैक्शन में नो डाउट डिवीजन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या करो एलसीएम लिया ये कांस्टेंट मल्टीपल है क्योंकि ये फैक्टर बन रहा है तो अगर ये फैक्टर बन रहा है तो ऑब्वियसली अगर ये फैक्टर है तो गिवन पॉलिनोम का जो उसका मल्टीपल होगा वो भी क्या होगा फैक्टर होगा तो आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हो यहां पे लेट अस सी नाउ ये वही बात आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी लेक्चर में जो पॉलिनोम फॉर्मेशन में जहां पर बात की थी हमने थ्री एक्स स्क् एक्स फोर यहां पर कुछ मिस किया याद है मैंने क्या मिस किया है कंप्लीट पॉलिनोमियल बनाओ इसको ध्यान रखो मैंने बोला था आपको मेरे को आती है ये डिवीजन बट इट माइट पॉसिबल दोस्तों आपको मिस्टेक के चांस बढ़ सकते हैं तो आप बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा थ्री एक्स फोर ये आ गई जीरो इसको मल्टीप्लाई किया फाइव एक्स स्क् किया कैंसल्ड सिक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस टेन एक्स माइनस फाइव कितने का साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ सिक्स एक्स क्यूब जीरो कोई इश्यू नहीं माइनस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस ये कैंसल्ड जीरो के साथ कोई फर्क नहीं ये कैंसल्ड माइनस फाइव ये बन गया सेम तो कोई फर्क नहीं देखिए चाहे अगर आप इसके साथ भी सॉल्व करोगे ना तो आंसर विल बी सेम नो इश्यू इज देयर यू कैन चेक विद दैट आल्सो ये हो गया फैक्टर है ना अब क्या करेंगे क्या करते थे फैक्टराइजिंग द कोशंट यस फैक्टराइजिंग क्वेश्चन क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस वन और वैसे इजिली आप चेक कर सकते हो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्र है तो जीरो क्या बन जाएंगी दोनों सेम है माइनस वन एंड माइनस सो दिस इज द कॉन्सेप्ट गाइज ऑफ डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल, वेयर वन जीरो इज गिवन और टू जीरो इज गिवन और हमने क्या करना है अदर जीरोस फाइंड करनी है थैंक यू